Hello and welcome to English at Fingertips. I am Sampath Dev with you and today we are going to study The Laburnum Top by Ted Hughes. ये पोएम आपके CBSE क्लास 11 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब सभी को पता होगा कि टेड ह्यूग्स एक मॉडर्न पोएट है। He is a poet of 20th century. और उसके पोएम का जो मेन मटेरियल है वो एनिमल और नेचर से रिलेटेड है। तो इस पोएम में भी आप देखोगे कि कैसे ये पोएम एनिमल और नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है। इस पिक्चर में आप देख ही सकते हैं कि लेबानम ट्री का जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर्स के होते हैं। और एक फीचर लेबानम ट्री का ये है कि इसका सीड्स पॉइजनस होता है और ये ट्री दिखने में बहुत ही खास है। तो चलो बिना और वक्त जाया करे शुरू करते हैं आज का पोएम The Laburnum Top. The Laburnum Top is silent, quite still, in the afternoon yellow September light. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Poet हमें ये बता रहा है कि The Laburnum Top is silent. मैंने पहले ही आपको बताया था कि Laburnum का मतलब है a small tree with a group of yellow flowers and poisonous seeds. हिंदी में हम Laburnum को अमलताश कहते हैं। वो Laburnum tree क्या था? वो silent था। वो चुपचाप खड़ा हुआ था। quite still का मतलब motionless, it was not moving. Trees अक्सर क्या होता है, trees के जो पत्ते हैं वो wind के वजह से हिलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि उस Laburnum tree के आसपास कोई हवाएं नहीं चल रही थी उस दिन। किस दिन? In the afternoon yellow September sunlight, दोपहर के टाइम था और sunlight पड़ रहा था और सनलाइट को यहाँ पर येलो कलर की कहा गया है और महीना कौन सा था? सितंबर का। A few leaves yellowing, yellowing का मतलब टर्निंग इनटू येलो कलर, पीले हो जा रहे थे। All its seeds fallen, और सारे जो सीड्स थे वो गिर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखो येलो बहुत बार यूज किया जा रहा है। एक के येलो सितंबर सनलाइट, अभी येलोइंग, ये डिनोट करते हैं ऑटम सीजन को। ऑटम सीजन में क्या होता है? ऑटम सीजन में पत्ते येलो हो जाते हैं और ऑटम के बाद में क्या आता है? विंटर आता है। तो यहाँ पर जो Laburnum Top है वो विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। विंटर इज यूजुअली कनेक्टेड विथ डेथ। तो फर्स्ट टेंस में पोएट हमें यह बता रहा है कि Laburnum ट्री जो है वो साइलेंट है और एक ही जगह पर खड़ा है। एक सितंबर के दोपहर के टाइम में ये Laburnum ट्री को डिस्क्राइब किया जा रहा है और इसके जो पत्ते हैं वो येलो कलर के हो रहे हैं और इसके जो सीड्स हैं वो गिर रहे हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Till the goldfinch comes, जब तक ना कि वो goldfinch आता है। अब ये goldfinch क्या होता है? A goldfinch is a small bird usually having black and yellow color. तो एक गोल्डफिंच एक छोटा सा पंछी होता है जिसका बॉडी में ब्लैक और येलो कलर रहता है ज्यादातर। तो अब इस पिक्चर में एक गोल्डफिंच मैंने दे दिया, आप इसको देख सकते हो। तो क्या होता है? Laburnum ट्री तब तक चुप रहता है जब तक ना वो गोल्डफिंच आता है। टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप। ट्विच का मतलब क्या है? मरोड़ना। अ स्मॉल ऑफन इनवॉलंटरी मूवमेंट, एक छोटा सा मूवमेंट। चिरप का मतलब यह है कि पंछी की किलकारी, द साउंड मेड बाय अ बर्ड। तो Laburnum ट्री में वो पंछी आता है विद अ ट्विचिंग चिरप। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, वो जो छोटा सा गोल्डफिंच है वो सडनली आ जाता है। अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब सडन सरप्राइज और अलार्म, चौंकना। तो जैसे कि चौंक जाते हैं वो ट्री, वो आके ब्रांच के एक एंड पे बैठता है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts off of chitterings and of turmoil of wings and trillings. Goldfinch ko lizard ke saath compare kiya gaya hai. Then sleek as a lizard, sleek ka matlab chamkila, shiny, smooth and glossy. And alert and abrupt, alert ka matlab bahut hi chaukan rehta hai. वो अलर्ट क्यों है? क्योंकि उसके आसपास कोई एनिमी है या नहीं ये देख रहा है। Then sleek as a lizard, alert and abrupt. Abrupt का मतलब sudden, अचानक। She enters the thickness. यहाँ पर thickness का मतलब क्या है?
मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो आके कहाँ पर बैठती है, ब्रांच एंड में, सो एट द एंड ऑफ द ब्रांच। और अभी वो लिजार्ड के तरह ट्री के अंदर घुस रहा है, जहाँ पर बहुत सारे पत्ते हैं वहाँ पे घुस रहा है, तो इसी को थिकनेस कह रहा है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ चीटविंग्स। एंड अ मशीन, यहाँ पर मशीन का क्यों यूज किया गया है? जब भी आप कोई मशीन को स्टार्ट करेंगे तो वाइब्रेशन या फिर साउंड तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर जो गोल्डफिंच आता है वो आवाजें निकालता है और वो मूव करता है, तो इसीलिए उसको मशीन के साथ कंपेयर किया गया है। सो द पोएट इज सेइंग एंड अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ चीटविंग्स, जैसे कि मशीन से आवाजें निकल रहा था। चीटविंग्स का मतलब क्या है? वो पंछी की किलकारी। एंड ऑफ टर्मर ऑफ विंग्स, टर्मर का मतलब है अ स्लाइट शेकिंग मूवमेंट, थोड़ा सा हिलना, और वो अपने विंग्स को हिलाते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब है अ सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड हाई नोट्स, तो वो जोर जोर से ऊंचे आवाज में गाना गाना स्टार्ट करता है, तो ऐसा लगता है कि कोई मशीन को किसी ने स्टार्ट कर दिया है और उससे आवाजें निकल रही है। The whole tree trembles and thrills. It is the engine of a family. She strokes it full, then flouts out to the branch end, showing her bald face identity mask. उस goldfinch के activities से the whole tree trembles and thrills. जैसे कि पूरा tree, पूरा laburnum tree झूम उठता है। Trembles का मतलब क्या है? Shake होना। And thrills का मतलब क्या है? A sudden feeling of excitement and pleasure, romance. पूरा ट्री रोमांचित हो जाती है। इट्स द इंजन ऑफ अ फैमिली, पहले ही हम मशीन का यूज किया गया है और अब यूज किया जा रहा है इंजन का, तो यहां पर क्या कह रहा है कि द होल ट्री इज द इंजन ऑफ हाफ फैमिली। हाफ फैमिली का मतलब गोल्डफिंच का फैमिली का इंजन ये ट्री है। जैसे कि एक मशीन में इंजन का बहुत ही जरूरत है, वैसे ही गोल्डफिंच को और उसके फैमिली को ये ट्री का बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये उसका घर है। She strokes it full, then flouts out to the branch end. She strokes it full, strokes का मतलब क्या है? An act of hitting or striking, प्रहार करना। वो अपने पूरे दम से गीत गाते हैं, अपने एक्टिविटीज करते हैं। So the poet says she strokes it full, वो अपने पूरे दम से अपने वो एक्टिविटीज करते हैं। Then flouts out to the branch end. Flouts का मतलब है the act of opening and shutting of the wings. Wings को हिलाकर वो branch end में चला आता है. Showing her bald face identity mask. और वो जब branch end में आता है तब उसका जो face है वो bald है. Bald का मतलब क्या है? Having alternative bands of different color. अलग अलग कलर है उसके फेस में। मैंने पहले ही आपको पिक्चर दिखाया था और जिसमें मैंने दिखाया था कि उसके फेस पर दो कलर है, एक है येलो और एक है ब्लैक। इसीलिए पोएट हमें बोल रहा है कि बार्ट फेस, दोनों कलर है उसके फेस में। एंड इट इज अर आइडेंटिटी मार्क, और इसी से ही हम एक गोल्डफिंच को पहचान सकते हैं। तो वो ब्रांच एंड में आते हैं और अपने फेस को दिखाते हैं जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite. तो अब पोएट हमें ये बोल रहा है कि उसके बाद वो गोल्डफिंच क्या करता है? Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings. Eerie का मतलब है strange or mysterious, अजीब। अब वो गोल्डफिंच एक अजीब आवाज निकल रहा है जो कि delicate है, जो कि बहुत ही soft है। Whistle chirrup whispering. She is whispering, इतना सॉफ्ट है कि लग रहा है वो बहुत ही शांति से कुछ आवाजें निकल रहा है। She launches away. Launches का मतलब क्या है? Set in motion, और वो अपने उड़ान भरती। Towards the infinite. Infinite का मतलब क्या है? A thing that will never end, जो चीज खत्म ही नहीं होगा। पर यहाँ पर पोएट हमें infinite का मतलब यही समझाना चाहते हैं कि sky. तो वो गोल्डफिंच क्या करता है? वो एक बहुत ही मिस्टीरियस अजीब साउंड करता है स्लोली, और फिर वो उड़ जाते हैं आसमान की तरह। एंड द लेबानम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स का मतलब क्या है?
कम हो जाना, और ये जो एक्टिविटीज हो रहा था, ये जो साउंड हो रहा था, वो कम हो जाता है एंड द लेबानम ट्री इज एम्प्टी अगेन, वो फिर से अकेला हो जाता है। तो इस पोएम को हम बहुत सारे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी अच्छे पोएम को कर सकते हैं। तो ये गोल्डफिंच हमें क्या सिखा रहा है? गोल्डफिंच हमें यही सिखा रहा है कि हाउ स्मॉल अ क्रिएचर मे बी, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। भगवान ने जो भी चीज नेचर में बनाया है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो वो प्ले करता है। जैसे कि ये छोटी सी पंछी द गोल्ड फिंच प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, ये एक ट्री को लाइफलेस से फुल ऑफ लाइफ कर देता है। तो यहाँ पर हम यही देख सकते हैं कि सारे के सारे क्रिएचर्स का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। और अगर आप गौर से देखो कि फर्स्ट स्टैंजा और लास्ट लाइन में एक बहुत ही सिमिलरिटी है, तो फर्स्ट स्टैंजा और लास्ट लाइन दोनों ही टाइम पे द ट्री वॉज साइलेंट, ट्री अकेला था, वो कोई आवाज़ें नहीं निकाल रहा था, जैसे कि वो लाइफलेस था पूरा का पूरा। पर मिडिल का जो स्टैंजर्स है उसमें क्या हो रहा है, गोल्डफिंच आ रहा है और हलचल मचा रहा है, ट्री को लाइफ दे रहा है। और एक तरीके से हम इस पोएम को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हम इस ट्री को हमारे धरती के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो अर्थ है वो अकेला था, वो सूना था हमारे बिना। फिर क्या होता, हम जन्म लेते हैं, हम आते हैं, हम अपने एक्टिविटीज करते हैं, हम अपने हर दिन का काम करते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, अर्थ में प्राण आ जाती है, और फिर क्या होता है, हमारे काम खत्म होते ही हम इस अर्थ को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं पोएम को। और एक तरीका ये है कि जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में बताया था, ये ऑटम का टाइम है, तो ऑटम का टाइम का मतलब क्या है, ओल्ड। इसके बाद में विंटर आएगा और विंटर को हम मौत के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस लेबानम ट्री को हम अपने बुजुर्गों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसका कि बहुत ही उम्र हो गया है, और वो जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो लोग क्या होता है, अभी तो बहुत लोग सिटीज में रहते हैं, तो स्मॉल फैमिलीज में रहते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो। फिर क्या होता है, वो बुजुर्ग आदमी अकेला पड़ जाता है, पर छुट्टी में या टाइम मिलने पर ही उनका जो पोता पोती है सब आते हैं उनके घर में छुट्टी के दिनों में, और अपने हलचल मचाते हैं, शोर करते हैं, और पूरे और उनके घर में फिर से लाइफ ला देती है। फिर क्या होता है, फिर छुट्टियां ख़त्म होती है और वो सब चले जाते हैं। उन बुजुर्गों का फिर से जीने का मायने यही रहता है कि फिर से कब उसके पोते पोती आएंगे और फिर से कब लाइफ आएंगे उसके वो घर में। और एक तरीके से हम इस पोएम को एनालाइज कर सकते हैं, वो कि इस पोएम के द्वारा पोएट हमें यही बता रहा है कि जितना भी अच्छा चीज़ क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन ख़त्म तो होगा ही, वो शॉर्ट लिव्ड है, बहुत अच्छा चीज़ बहुत कम दिन रहता है। जैसा कि ये गोल्ड फिंच बहुत ही अच्छा था उस ट्री के लिए, इट गेव द ट्री लाइफ, पर वो ख़त्म होना ही था, और वो गोल्ड फिंच कुछ ही टाइम के बाद फिर से उस ट्री को छोड़ के चला गया। सो थ्रू दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट हाउएवर गुड अ थिंग मे बी, बट इट विल ऑब्वियसली कम टू एन एंड। तो चाहे कितना भी अच्छा चीज़ क्यों ना हो, वो ख़त्म तो ज़रूर होगा। तो यही था इस पोएम का फुल एनालिसिस एंड फुल लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी पोएम्स की वीडियो आपके लिए जल्द ही लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।